बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात। PK92 वीडियो चैनल की जानिब से मैं आपको कहता हूँ खुश आमदीद। तो नाजरीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से डायनामिक सर्वे का यानी डायनामिक रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। ऐसे घराने जो कि नाअहल हो गए हैं, उनके पैसे नहीं आ रहे या उनके घराने का सर्वे बिल्कुल हुआ ही नहीं, तो उनको मौका दिया गया है कि वो दोबारा अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट मालूमात आप लोगों तक पर वक्त पहुँच सके। आइए आपको इस वीडियो में सर्वे रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार बताता हूँ। उसका तरीक़ाकार ये है कि अपने मोबाइल से जो सिम आपके नाम रजिस्टर्ड है उससे 8171 पर SMS करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से 8171 से SMS या ख़त मिलने के बाद बताई गई तारीख को तहसील दफ्तर में रजिस्ट्रेशन सेंटर पर तशरीफ़ ले जाएं। इसके अलावा वो घराने जो अभी तक सर्वे का हिस्सा नहीं बने वो भी तशरीफ़ ला सकते हैं। सेंटर पर आते हुए अपने साथ बच्चों का नादरा बे फार्म ज़रूर साथ लाएँ। उस फार्म में तमाम बच्चों या ज़्यादातर बच्चों का अंदराज होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर मौजूद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अमला आपको सर्वे या सर्वे में अपडेट का टोकन जारी करेगा। उसके बाद आपको इंतज़ार गाह में अपने टोकन नंबर के मुताबिक पारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। अपने टोकन नंबर के मुताबिक रजिस्ट्रेशन डेस्क पर तशरीफ़ ले जाएँ। याद रहे कि सर्वे टोकन उन ख़वातीन को जारी किया जाएगा जो अपना शनाख्ती कार्ड और बच्चों का बे फार्म फराहम करेंगे। इसके अलावा सर्वे टोकन के बगैर का सर्वे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर मौजूद डेटा एंट्री ऑपरेटर आपसे समाजी मुआशी मालूमात पर मुश्तमिल सवालात पूछेगा। मसलन, घराने के अफराद कितने हैं, आपकी तालीम कितनी है, सेहत, रोज़गार और रिहाइश, घराने के असासाजात, तिजारत, माल मवेशी और ज़रात वगैरह के मुतालिक आपसे सवाल पूछेगा। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें।